जय माता की। कब आए थे आप सिमसा माता के मंदिर? 22 में आए थे। कहाँ से आए हो? कांगड़ा। कांगड़ा से आए हुए हैं। 2022 में आए थे। क्या फल दिया था माता रानी ने आपको? सेब और केला। सेब और केला दिया था। तो आपने इस फल का बहेज किया? हाँ जी। क्या बताया था पंडित जी ने आपको? बोले ये फल ना हाथ लगाना है ना खाना है, तो किसी को। अच्छा, 2022 में आए थे। कितने साल का लड़का हुआ है? अभी साल का नहीं हुआ है। देखो 2022 में आए थे और अभी एक साल का बेटा नहीं हुआ है उनका। सेब और केला दिया था। ये देखो सेब और केला लाए हुए हैं माता रानी को। किस पुजारी के पास रहे थे? प्रहलाद पुजारी जी। जब आप प्रहलाद पुजारी जी के पास रहे तो इन्होंने कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार किया था। बहुत अच्छे से अच्छे थे। कैसा लगा? अपने घर की तरह लगा? की तरह ही। देखो ये प्रहलाद पुजारी जी के पास रहे थे, अपनी जुबानी बोल रहे हैं। प्रहलाद पुजारी ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया था इनका बोलना है। वे प्रहलाद पुजारी ने अपने घर की तरह हमें रखा और आज भी ये 2022 में आए, आज भी ये प्रहलाद पुजारी जी के ही पास आए हैं। कांगड़ा से आए हुए हैं ये सब परिवार। और आगे के लिए आप सभी को क्या संदेशा देना चाहते हैं? यहाँ पे आए, देखें, अच्छा है मंदिर भी और फल देती है माता रानी सब कुछ। हाँ, जो फल देती है माता रानी उसका संपूर्ण फल माता देती है। देखो केला और सेब का भेज किया हुआ है और ये देखो उनका बेटा है, कितना सुंदर बेटा है इनका। अद्भुत चमत्कार है माता रानी का। देखो शादी को कितने साल हुए हैं? चौथा साल लगा गया है आपकी शादी को और माता रानी ने इनकी गोदी भर दी है। आगे के लिए सभी को यही संदेशा देना चाहते हैं भाई, सभी मंदिर में आए और माता रानी सभी की ये करती है। पर आजकल नवरात्रों में ही सोते हैं और दिनों में नहीं सोते हैं, माथा टेकने आ सकते हैं। ये प्रहलाद पुजारी जी हैं। प्रहलाद पुजारी जी, आपने कैसे इनको समझाया था? मैंने ऐसे समझाया था, जब ये आए थे सोने तो इनको बोड़ी में भेजा नहाने के लिए। नहाने के बाद इनको बोला मंदिर में जाओ, मंदिर में अरदास करवाई और अरदास कराने के बाद इनको बोला अब सो जाओ। जैसे सो गए बिस्तरे में माता के अंदर, तो कंबल बिछा के, तो इनको माता रानी ने सेब और केला दिया हुआ है। अब ये माता से माफ़ी मांगने जाएंगे और माता से खाने की आज्ञा लेंगे। बोलो शारदा माता की जय, सिमसा माता की जय। अगर आजकल भी कोई नहीं आ सकता हो तो घर में माता का नियम कर सकता है और प्रहलाद पुजारी से संपर्क कर सकते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं। और आपको जो हमने प्रसाद दिया, जो आपने मांगा वही दिया ना। नी संतान के घर संतान देने वाली सिमसा माता की जय। माता जी जय माता।